श्री गुरु नानक देव जी का 555वां प्रकाश उत्सव पूरे हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया। गुरु पर्व पर माथा टेकने के लिए सुबह से ही गुरुद्वारों में संगत उमड़ पड़ी। शिमला में गुरुद्वारा श्री सिंह सभा में सुबह 4:45 पर गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश किया गया। इसके साथ ही नितनेम पाठ, सुखमनी साहिब, अखंड पाठ, सहज पाठ साहिब किया गया। लुधियाना से आए रागी बलजीत सिंह ने कीर्तन संगत को निहाल किया। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने शिमला में गुरुद्वारे में माथा टेका और आशीर्वाद लिया। पहले तो इस महान पर्व पे पूरे प्रदेशवासियों को मैं शुभकामना देता हूँ। हम सौभाग्यशाली हैं कि कैसे देवभूमि में जन्म लिया है, जहाँ सभी देवी देवताओं को, सभी महान पुरुषों का एक समान आदर होता है। और भारतवर्ष भूमि ही ऐसी है जहाँ जिस भी संप्रदाय के, जिस भी विचारधाराओं के, जिस भी मजहब के हमारे ऋषि मुनि या जो बड़े संत होते हैं उनको पूरा आदर दिया जाता है। आज का दिन भी गुरु नानक देव जी की जयंती के रूप में, जिसे हम गुरु पर्व करके मनाते हैं, पहले ये एक ही क्षेत्र होता था और मुझे याद है बचपन से हम इस गुरुद्वारे में आया करते थे और जब जब भी समय मिलता है गुरु नानक जी के अगर हम जीवन को पढ़ें तो मैं समझता हूँ बहुत बहुत ही सामर्थ्य मिलता है। और एक आज के युग में जब कभी कभी धर्म के नाम पर संसार में लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, ऐसे महान संत के जन्मदिन पर मैं समझता हूँ हमें सबसे बड़ी शिक्षा यही लेनी चाहिए कि कोई भी किसी भी मजहब का हो, किसी भी जाति संप्रदाय का हो, किसी भी भावनाओं का हो, किसी भी विचारधारा का हो, सबको गुरु नानक देव एक ही निगाह से देखते थे। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।